भारत लगातार अपनी रक्षा प्रणाली को और भी अधिक मजबूती देने के लिए कई बड़े और अहम कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। दरअसल नौसेना को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कैबिनेट समिति ने युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अनुबंध पर 5 मार्च को हस्ताक्षर होंगे और 220 ब्रह्मोस की कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए होगी। अनुमान लगाया गया है कि विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस की रेंज लगभग 800 किलोमीटर है। रूस की साझेदारी से निर्मित मिसाइल प्रणाली के लिए ये एक बड़ी मेक इन इंडिया सफलता होगी। भारत की ब्रह्मोस एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है, जिसे जमीन, समुद्र और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। सिर्फ भारतीय नौसेना को ही नहीं बल्कि स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस में भी निर्यात किया जाएगा। Exports are now really, we are getting a lot of interest for most of our products from abroad. And I'm sure over the coming years, exports are going to become a very important part of our portfolio. So far, a lot of our hull-mounted sonars, lightweight torpedo, we have exported radars. We have now a lot of interest on Pinaka. ATAGS. We have also now receiving interest for BrahMos, of course, we have exported to Philippines and we are receiving interest for other countries. Akash is seeing a lot of interest. So going forward, lot of our products will get export orders. आपको बता दें कि कई देश ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के कई देशों ने कई तरीकों से तैनाती के लिए इस मिसाइल प्रणाली में गंभीर रुचि दिखाई है। गौरतलब है कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस कॉरपोरेशन द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का बड़े पैमाने पर स्वदेशीकरण किया गया है और इसके ज्यादातर पार्ट्स का भी स्वदेशीकरण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।